सबसे पहले शामिल करते हैं कैनेडिय अरकान पार्लियामेंट का मौसम खजा में ताइवान का दौरा रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि दौरे के मनसूबाबंदी गुजशत मौसम बहार में शुरू हुई थी दौरा करने वाले अरकन पार्लियामेंट के कनाडा, ताइवान, फ्रेंडशिप ग्रुप के भी मेंबर हैं कैनेडा के कार्डिनल पर क्लास एक्शन सूट में जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम आए एक मुलिम वैटिकन ब्यूरोसी के अंदर सबसे आम शख्सियात में से एक हैं खातून का कहना है कि कार्डिनल ने उन्हें कम उम्री में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में हुकूमत का बड़ा रिहायशी मनसूबा मुकम्मल होने का इम्कान नहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि हाउसिंग बहरान के दौरान कराए और जायदाद की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है हाउसिंग मनसूबे को कामयाब बनाने के लिए रुकावटों को दूर करने की ज़रूरत है अमरीका यूक्रेन तनाजे को तूल दे रहा है चीन की खुद मुख्तारी पर हमला किया रूसी सदर का कहना है कि हमें अपने शहरियों के दिफा के लिए यूक्रेन में ऑपरेशन करना पड़ा रूसी सदर ने इतिहादी ममालिक को भी बड़ी पेशकश कर दी भारत और अमरीका की मुखालफत के बावजूद श्रीलंका का बड़ा फैसला चीनी अस्करी बहरी जहाज श्रीलंका की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया जहाज बाईस अगस्त तक श्रीलंका में रहेगा चीन में शदीद गर्मी दर्ज हरारा चालीस सेंटीग्रेड से तजावज कर गया पुर्तगाल और स्पेन के जंगलात में लगी आग से आसमान सुर्ख हो गया चीन में पच्चीस दिनों के लिए हीट अलर्ट जारी हेडलाइंस और अब खबरें तफसील के साथ Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. बेवी तजारत पर कनेडियन पार्लिमान की काय कमेटी के अरकान अक्टूबर के अवाइल में ताइवान के दौरे का मनसूबा बना रहे हैं इस हवाले ऐसी मजीद जानते हैं कैनेडा के अरकान पार्लियामेंट मौसम खजा के दौर ताइवान की मनसूबा बंदी कर रहे हैं अमरीकी नुमाइंदान की स्पीकर नैंसी प्लोसी के इस जजीरे के हालिया दौरे ने चीनी हुकूमत के में इजाफा किया है ग्रुप की सरबरा लिबरल एम पी जूडी डी सिगरू का कहना है के बानवी तजारत पर, पर पार्लिया की अरकान अक्तूबर के अवैध में ताइवान के दौरे का मनसूबा बना रहे हैं सिगरू ने कहा की कमेटी के आठ मेम्बरां जो तमाम पार्लियामेंट के कनेडा तयवान फ्रेंडशिप ग्रुप के भी मेम्बर है सफर पर जाने का इरादा रखते हैं उन्होंने कहा तजारती कमेटी ताइवान का दौरा करने और ये देखने के लिए बहुत बेचैन है के दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तजारती के लिए क्या मौाक़ मौजूद हैं सिगरा ने कहा कि सफर की मनसूबा बंदी गुजशत मौसम बहार में शुरू हुई थी उन्होंने मज़द कहा कि आया ये सफर होता है इसका इन्हिसार ताइवान के कोविड नाइन्टीन प्रोटोकॉल के मुस्तबिल होगा पलोसी के सफ़र के बाद बनवा तल्क पर अहम तनाव का एतराफ़ करते हुए सिगरों ने कहा कि हम यकीनी तौर पर सिफारतकारी का इस्तेमाल करेंगे जैसा की हम आगे बढ़ेंगे जिसको उन्होंने ज़रूरी सफ़र करार दिया उन्होंने कहा कि जमहूरियत अजीज़ है और इसका एक अहम हिस्सा है जिसमें हम सब हर रोज रहते हैं हमें दूसरे हिफाजत करने की जरूरत है जिन्होंने अपनी आज़ादी और जमहूरियत के लिए जद की है उनका कहना था कि मैं अपने तबसरों में सिफारती होने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वाजे तौर पर मुझे फखर है कि कैनेडा भी चीन के साथ खड़ा है और मैं समझती हूँ कि यह हिमायत बहुत अहम है अगस्त के अवैल में अमरीकी नैन्सी प्लोसी के इस जजीरे के दौरे के मौके पर कैनेडा के अरकान पार्लियामेंट और सैनिटर्स का ताइवान का मुमकिन मौसम खजा का दौरा होगा पिलाओसी का दौरा जिसे उसने ताइवान और दुनिया भर में जमहूरियतों के लिए वॉशिंगटन की हिमायत को जाहिर करने के मिशन के तौर पर बयान किया इससे चीनी हुकूमत को नाराजगी हुई है जो ताइवान को अपने इलाके का हिस्सा समझती है बीजिंग ने जजीरे को घेरे में लेकर और ताइवान और जापान की तरफ से दावा करदा इलाकई पानियों के करीब लाइव फायर फौजी मशकें करके जवाब दिया पॉप के मजबूत उम्मीदवार कनाडा के कार्डिनल पर क्लास एक्शन सूट में जिनसी ज्यादती का इल्जाम आयद कर दिया गया कार्डिनल मार्क ओलेट पर जिनसे ज्यादती का इल्जाम आयद होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया इस हवाले से मजीद जानते हैं पॉप के मजबूत उम्मीदवार कनाडा के कार्डिनल पर क्लास एक्शन में ज्यादती का इल्ज़ाम कर दिया गया कार्डिनल मार्क ऑलिट पर जिनसी ज़्यादती का इल्जाम होने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया कैनेडियन सूबे क्यूबैक की मकामी अदालत में पेश करदा कानूनी दस्तावेजा पर उन पर लगाया गया है जिसमें खातून ने दावा किया कि उन्हें माजी में उस वक्त जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया जब वो कम उम्र थी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजात में बताया गया कि हातून की मुतासरा खातून एक चैरिटी की तकरीब में दो हजार आठ में कार्डिनल मार्क से मिली उस वक्त उनकी उम्र तेईस बरस थी और वो चर्च में इंटर्न थी खातून ने दावा किया की कि रात के खाने के बाद कार्डिनल मार्क ने नामनासिब तरीके ऐसी उनके कंधों पर हाथ लगाया और फिर कमर सहलाने लगे जिस पर खातून को समझ न आया कि वो क्या रद्द अमल दे दस्तावेजात में इल्ज़ाम आयद किया गया कि बाद अजा दो हजार दस में एक तकरीब पर मौके पर कार्डिनल ने मस्कूरा खातून को बोसा देने की ख्वाहिश का इजहार किया साथ ही कुछ गैर मुनासिब जुमले भी कहे और आखिरकार उसे पिछले साल पॉप फ्रांसिस से शिकायत करने पर उकसाया वे कि माजी में कैथोलिक रहनुमा कार्डिनल मार्क कार्डिनलिट पॉप के मजबूत उम्मीदवार समझे जाते थे कार्डिनल मार्क कार्डिनलिट का शुमार उन अफराद में होता है जो इस तहसाल को रोकने के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं ऑलिट वेटिकन ब्यूरोसी के अंदर सबसे अहम शख्सियात में से एक है जो इस महकमे की रहनुमाई करती है जो बिशप्स की जांच और इंतजाम करता है इसे 2003 में पॉप जॉन पॉल डोम ने कार्डिनल नामजद किया था पॉप बेनिट के लेफ्टिनेंट के तौर पर खदमात अंजाम दें और अब पॉप फ्रांसिस के साथ तकरीबन हफ्ता बार मुलाकातें करते हैं जिन्होंने ऑलिट को आम पाँच साल मुद्दत से कहीं ज़्यादा अपने किरदार में रहने की इजाज़त दी है कनेडियन सूबे ओंटेरियो में माहरी ने खदशा जाहिर किया है कि सूबाई हुकूमत का पंद्रह लाख घरों की तमीर का मनसूबा नाकाम हो सकता है इस हवाले से मजीद जानते हैं कैनेडियन सूबे ओंटेरियो में हुन ने खदशा जाहिर किया है कि की हुकूमत 15 लाख घरों की तमीर का मनसूबा नाकाम हो सकता है कैनेडा के हुकूमत आटवा में क़ायम थिंक टैंक स्मार्ट प्रॉस्पेरिटी इंस्टीट्यूट की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग के बहरान को ख़त्म करने के लिए ऑनटेरियो के दो तक डेढ़ मिलियन घरों की तमीर के बुलंद हदफ के पूरा होने का इम्कान नहीं है हाउसिंग बहरान के दौरान किराए और जायदाद की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है और सूबे में बेघर होने की शरह इजाफा हुआ है थिंक टेंक की रिपोर्ट ये देखते हुए कि आया ओनटेरियो सूबे का घर बनाने का हदफ न सिर्फ दुरुस्त है बल्कि हसूल भी है इसका उनवान है ओनटेरियो को मज़ीद डेढ़ मिलियन घरों की ज़रूरत है जिसे आटोवा यूनिवर्सिटी के स्मार्ट प्रोसेरिटी इंस्टीट्यूट ने शाया किया था रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑन्टेरियो पहले ही तकरीबन पाँच लाख घरों की कमी से दो चार है और इसे दो हजार इकतीस तक बढ़ती हुई आबादी की तरफ से पैदा होने वाली पेशन गोई की तलब को पूरा करने के लिए मजीद एक मिलियन की जरूरत है स्मार्ट प्रॉस्पेरिटी इंस्टीट्यूट के माहिरत और मकाले के सरकरदा महक का कहना है की ऐसी बहुत सी रुकावटें हैं जिन्हें हम अगले पाँच से दस सालों में दूर करने की जरूरत है माहरीन का कहना है की सूबे में एक अच्छी तरह से काम करने वाली रियल इस्टेट मार्केट थी लेकिन उस वक्त के कंजर्वेटिव कंजरवेटिव स्टीफन हार्बर के तहत विफा की इमीग्रेशन पॉलिसी में तब्दीलियों ने और जिसे लिबरल वज़ी जस्टिन टूडो ने बढ़ाया कैनेडा में नए आने वालों की तादाद में इजाफा हुआ रूसी सदर प्यूटिन का कहना है कि अमेरिका ने चीन की खुद मुख्तारी पर हमला किया है उन्होंने इतहादी ममालिक को असलाह फम करने की भी पेशकश की है मजीद तफी इस रिपोर्ट में रूसी सदर प्यूटन का कहना है कि अमेरिका ने चीन के खुद मुख्तारी पर हमला किया है उन्होंने इतिहादी ममालिक कोह फराम करने की भी पेशकश की है तफसीत के मुताबिक रूसी सदर प्यूटन ने मंगल को बनावी आलमी सलामती से कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अमरीका दुनिया भर में अपनी बाला बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है उन्होंने कहा अमरीका ने चीन की ख़ुद मुख्तारी पर हमला किया अमेरिका यूक्रेन तनाजे को भी तूल दे रहा है हमें अपने शहरियों के दिफा के लिए यूक्रेन में ऑपरेशन करना पड़ा सदर वालादिमिर प्यूतन ने कहा कि दुनिया को गैर मुस्तकम और अपरातफरी का शिकार करना अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा है रूसी सदर ने खिताब में अमेरिका को एशिया में कशीदगी को हवा देने का जिम्मेदार करार दिया और कहा कि अमरीकी नुमा स्पीकर नुमाइंदरसी प्लोसी के ताइवान का दौरा मुकम्मल तौर पर मनसूबाबंद इश्त अंगेजी है मास्को सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के खिलाफ में प्यूटन ने ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और हाँ मुतहद के दरमियान और पर भी तनकीद की जो एशिया पैसेफिक खत्े में नेटो तर्स का ब्लाक बनाने की मगरबी कोशिशों का एक वाजूत है दूसरी जानब रूस के दारकूमत मास्को के बाहर मुनद की गई सालाना इस नुमाइश के इफ्ताह के मौके आरोप खिताब करते हुए रूसी सदर प्यूटन ने कहा कि रूस, अमरीका, एशिया और अफ्रीका के के साथ अपने ममालिकालुक्र को अहमियत देता है और अपने इतिहादियों को जदीद हथियार फराहम करने के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि हम छोटे हथियारों बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर लड़ाका तैयारे ड्रोन्स और दीगर हथियार इतिहादियों को फराहम कर सकते हैं और उन हथियारों को हकीकी जंगी ऑपरेशंस में एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकेगा प्यूटन ने यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाई को सराहते हुए मामले पर रूस की हिमायत पर इतिहादियों का शुक्रिया अदा किया उन्होंने कहा कि मुख्तल बड़ आज़मों में हमारे बहुत से इतिहादी और शराकतदार हैं जो हमारे हम ख्याल हैं। यूतन ने कहा कि रूस की असलहे की बरामदात अमरीकी बालादस्ती को खत्म करने और दुनिया में ताकत के तवाजन को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है क्रीमिया में कायम रूस की एक और अस्कारी बेस हमले की में आ गई। धमाके के बाईस असल डिपो में आग भड़क उठी ताहम यूक्रेन ने वाक़ में मुलविस होने की तस्दीक या तरदीद नहीं की रूसी हुक्म के मुताबिक शरपसंदों ने क्रीमिया में मौजूद रूसी अस्करी बेस के असल डिपो को निशाना बनाया भारत और अमरीका की मखालफत के बावजूद चीनी अस्कारी बहरी जहाज श्रीलंका की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया है जो बाईस अगस्त तक श्रीलंका में रहेगा इस हवाले से मजीद जानते हैं भारत और अमेरिका की मखालफत के बावजूद चीनी अस्करी बहरी जहाज श्रीलंका की बंदरगाह पर लंगरअंदाज हो गया है, है जो 22 अगस्त तक श्रीलंका में रहेगा चीनी फौज का सर्वे के लिए इस्तेमाल होने वाला बहरी जहाज यू आन भारत और अमरीका की भरपूर मुखालफत के बावजूद श्रीलंका की बंदरगाह पर लगर अंदाज हो गया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज कई रोज ऐसी की बंदरगाह पर लंगर डालने के मुंतजर था शुरू में अमरीकी और भारतीय दबाव पर श्रीलंका जहाज को लंगरअंदाज होने की इजाजत देने में पशु पेश कर रहा था लेकिन तवील मुजाक्रत के बाद अमरीकी और भारतीय खदशात को नजरअंदाज करते हुए जहाज को लंगर अंदाज होने की इजाजत मिल गयी ये जहाज बाईस अगस्त तक श्रीलंका में रहेगा याद रहे कि की बंदरगाह को श्रीलंका ने में बरस के लिए चीन को लीज़ पर दिया है। पुर्तगाल और स्पेन के जंगलात में लगी आग ताहाल बेकाबू है जबकि चीन में 25 दिनों के लिए हीटर जारी कर दिया गया मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में पुर्तगाल और स्पेन के जंगलात में लगी आग ताहाल बेकाबू है जबकि चीन में 25 दिनों के लिए हीट अलर्ट जारी किया गया है पुर्तगाल और के जंगलात में लगी आग से आसमान जंगलात में लगी आग पर 10 दिन बाद भी काबू ना पाया जा सका धुआं के दारुल तक पहुंच गया मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाल और स्पेन के जंगलात में लगी आग तहाल भी काबू है बाईस अफराद जख्मी हो चुके हैं और आग की शिद्दत मजीद बढ़ती जा रही है आग के शोले इतने बुलंद है की आसमान फायर को कोशिश कर रहे हैं पुर्तगाल के नेशनल पार्क में दोबारा भड़क उठी है कई देहात खाली करा लिए गए चौदह हजार हेक्टर का रकबा जल कर खाक सर हो चुका है यूरोपीय ममालिकट वेव अलर्ट जारी कर रखा है वाजह रहे की यूरोप में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद जंगलात में आग लगने के वाकत रोनुमा हो रहे हैं दूसरी जानब चीन के मुताद हिस्सों में इस वक्त दर्जा हरारत चालीस सेंटीग्रेड से तजावज कर गया है और महकमा मौसम ने आइंदा पच्चीस दिन तक शदीद गर्मी का अलर्ट जारी किया है सुबह तमाम फैक्ट्रियों को छह दिन तक बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं ताकि बिजली की किल्लत को कम किया जा सके चीनी महकमा मौसम ने चौदह अगस्त को शदीद गर्मी के हवाले ऐसी रेड अलर्ट जारी किया था और इस वक्त चीन के 10 से ज्यादा सूबों में दर्जा हरारत 40 से बयालीस सेंटीग्रेड के दरमियान पहुँच चुका है शदीद गर्मी के बाईस कुछ सियाती मकाम को भी बंद कर दिया गया है टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी are precise and effective.